कैसे? ए रगौ माता ने याद कर लो, ए सारे हिंदू वो भाई रे, ये रोज पेटते और भूख मरे काटे लोग वो कसाई रे, काटे लोग कसाई। ये गौ माता ने और याद कर लो, गौ माता ने याद कर लो, ये सारे हिंदू भाई रे, रोज पेट दे और भूख मराइए और काटे लोग कसाई। बाबा को तो गाँव को नहीं, धार लो भजन आप जो आज उठ उठ चाल पड़े, दो मिनट बैठी रहो ज्ञान की बात। सजनो उस माँ के बारे में बताया, जननी माँ और गौ माता में और कोई फर्क नहीं से, जननी माँ और गौ माता में कोई फर्क नहीं से, जो माँ की सेवा ना करता वो मूर्ख नरे, वो सराय मूर्ख नरे, सबका पेट भरण आली ने, सबका पेट भरण आली ने, तू करती आज बराई ने, रोज पेट ते भूख मनाइए, काटे लोग कसाई ने, ओए काटे लोग कसाई ने, तेरी पहुंची तो एक गौ एक रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुई और सजनों अंतिम सांस ले रही थी, भूख प्यास के मारे तड़पती वो किसी ट्रक वाले ने ठोक दी शायद, उसकी आंखों में आंसुओं की जगह है खून बह रहा था। तब हमारे दिल में एक एहसास हुआ कि देखो कि आज ये गौ माता ऐसे तड़पती मर रही है, अगर इस माँ की आप कदर करते तो सजनों उस माँ की भी कदर करो। मैं एक बात, जितने बड़े बुजुर्ग माता बहने बैठी, मेरे सीनियर कलाकार बैठे हैं, मेरे आदरणीय बुजुर्ग बैठे, एक बात पूछना चाहूंगा सभी से कि अपनी माँ से कौन प्यार करता है? माँ से बड़ा कोई दर्जा नहीं दुनिया के अंदर, अपनी माँ से जो प्यार करता है ऊपर हाथ करेंगे, काकी ताई जितने भी बैठी, कह के मर गयी उनको भी माले ऊपर हाथ कर लो, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगर उस माँ से आप प्यार करते हो ना तो आप गौ माता से भी प्यार करो। और देखिए आज ये जागरण बताते हैं, जागरण में जब तक गौ माता का जिक्र भगत सिंह का जिक्र ना, वो जागरण भी अधूरा माना जाता है। आज एक हम छोटा सा कर्म करके जाएंगे उस गौ माता के लिए, और वो कर्म कौन चाहोगा? सजनों कलाकार भी ने जाने कितने हजारों लाखों रुपए इंसान उठा के चला जाता है, नृत्य करने वाली कलाकार भी ने जाने कितने लाखों रुपए उठा के चला जाता है, लेकिन जहां तक कर्म की बात आती है सजनों, कर्म और धर्म दिल से होता है। जागरण में मजा हर कोई ले जाए, लेकिन कड़ा कर्म धर्म की बात आओ ना उड़ लो गल नट जाए। लेकिन आज अगर वास्तव में हम सच्चे हिंदू हैं और सच्चे भारत देश के नागरिक और बालाजी महाराज से अपने माँ बाप से प्यार करते थे, एक छोटा सा हम कर्म करके जाएंगे आज, वो कर्म कौन सा करके जाएंगे? अपनी जेब के अंदर से 100, 50, 20, 30 रुपया मान लो उस गौ माता के नाम से निकाल के जाएंगे आज, वो पैसा उन गौओं के पेट में जाएगा, चारे के लिए जाएगा, तो माँ भी एक आशीष देगी कि हम फलाने जागरण के अंदर इतने पैसे आए तो उनकी वजह से आज हमारे पेट के अंदर इतने ये जो खाजा पड़ा है। सजनों जितनी माता बहने बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग से हाथ जोड़ की विनती है, जितना भी दान आपसे हो सके यहाँ स्टेज के ऊपर यहाँ पे आके देके जाएंगे,
और शुरू मैं कर देता हूँ सजनों, क्योंकि बताते हैं कि धर्म कर्म हमेशा दिल से किया जाता है। 100 50 50 को बड़ी बात नहीं, तो उस माँ के लिए छोटा सा दान आवाज जरूर करके जाएंगे, और वो पैसा नहीं को कलाकार लेगा, नहीं को कमेटी वाले उस गहुओं के पेट में जाएंगे। अगर सच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हो, सच्चा अपने माँ का सेवक, अपने माँ बाप का सच्चा पुत्र है, और जितने भी माता बहने बैठी है, तो आज वो कर्म खड़े हो गए यहाँ पे अपने दिल से, और उस माँ के लिए हमें छोटा सा कर्म करके जाएंगे। सजनों, इसमें कोई बड़ी शर्म की बात नहीं है, 100 रुपए को बड़ी बात नहीं होती, 20 रुपए को बड़ी बात नहीं होती। हम आज वो सच्चे मन से वो कर्म हम आज करके जाएंगे उस गौ माता के लिए। तो जितने देखते हैं किसमें दम है, कौन अपनी माँ का लाल है, कौन सच्चा हिंदुस्तानी को अपनी माँ से प्यार करता है। ओ हो हो रक्षा करेंगे। तो बताते हैं भगवान आज बालाजी महाराज इस जागरण के अंदर वही देख रहा कि सच्चे जो जहां कर्म की बात आती है वहां कौन भगत और कितना दान कर रहा है, कौन भगत सच्चे धर्म के ऊपर है, भगवान उसी की मनोकामना पूरी करते हैं। बोले क्या रखा मंदिर में जब पाप होते रहे अंदर में, जो चिटल लिप जाना किमी को न्याय, जो सच्चे कारा बोलना किमी को न्याय। सच्चे कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, तब वो परमात्मा अपने दिल के अंदर की आवाज होता है। जय श्री बार बार धन्यवाद मिट्टू को, क्या बात है।
लोभ के कारण दो पैसे के खातर हम गऊ को बेच देते हैं। कैसे? तेरे लोभ के खातर गऊ ने बेचे ये सारे हिंदू भाई, लोभ के खातर गऊ ने बेचे ये सारे हिंदू भाई, और नाड़ के ऊपरी आरा धर दी खुश हो जा, और कसाई रे खुश हो जा। राजेश डुलानिया रो रो कहता, राजेश डुलानिया रो रो कहता, और कैया हो सवाई हो सफेदी है काटे लो कसाई रे, काटे लो कसाई रे, सारे हिंदू भाई रे काटे लो कसाई रे। बोल गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद, जितने धन्यदाताओं ने दिया तहे दिल से बार बार धन्यवाद।